आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी सी रसमलाई की रेसिपी। आज की रसमलाई को हम दो तरीके से बनाएंगे और सबसे अच्छी बात, हम इसे बनाने वाले हैं ब्रेड से। तो चलिए अपनी आज की इस टेस्टी सी रसमलाई की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम 2 कप दूध लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे लगभग 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, साथ ही कुछ कटे हुए ड्राई नट्स। ड्राई नट्स आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकती हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ येलो फूड कलर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाकर मिला लेंगे। आप चाहें तो केसर के कुछ धागे भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ लगभग 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड किया है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और अब हमें इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेना है। दूध के थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए, दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब गैस बंद करके इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, जिससे हम दो तरीके की रसमलाई बनाने वाले हैं। तो पहले हम बनाने वाले हैं स्टफ रसमलाई, जिसके लिए हमें इन ब्रेड के किनारों को इस तरह से काट कर अलग कर लेना है। हमें सिर्फ ब्रेड का वाइट वाला पोर्शन ही रखना है, तो इसी तरह से हम सभी ब्रेड के किनारों को काट कर अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, स्टफ रसमलाई बनाने के लिए ब्रेड को हमें कुछ इस तरह काटना है। साथ ही हमें जो दूसरी तरह से रसमलाई बनाना है, इसके लिए हमें ब्रेड को बिल्कुल गोल आकार में कट करना है। तो इस तरह से आप किसी कुकी कटर या ग्लास और कटोरी की हेल्प से भी इसे गोल काट सकती हैं। तो इसी तरह से हम सभी ब्रेड को कट कर लेंगे। तो पहले हम स्टफ रसमलाई बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ कुछ कटे हुए नट्स ले लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकती हैं। साथ ही लिया है थोड़ा दूध। इसके बाद हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और 1 से 2 चम्मच दूध को इस तरह से हर तरफ फैलाते हुए ब्रेड पर लगा लेंगे। ब्रेड पर हम दूध इसलिए लगा रहे हैं जिससे हमारा ब्रेड सॉफ्ट हो जाए और हम इसे रसमलाई का आकार दे पाएँ। तो इस तरह से हमें फैलाते हुए दूध को ब्रेड पर हर तरफ लगा लेना है और फिर हाथ से दबाते हुए ब्रेड को थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद हम कटे हुए नट्स को इस तरह से इसमें डालेंगे और फिर हर तरफ से इसे मोड़ते हुए गोल आकार देंगे। ये देखिए, हमें इसे कुछ इस तरह से मोड़कर तैयार करना है और इसे इस तरह से गोल और चिपटे आकार में बना लेना है। इसी तरह से हम सभी ब्रेड स्लाइस को तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए एक एक करके इसे हम सर्विंग प्लेट में रखेंगे और अब इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार किए हुए दूध को, जो कि अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए, तैयार हो चुकी है हमारी स्टफ रसमलाई, जो कि देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी है। और साथ ही दूसरी तरह की रसमलाई बनाने के लिए, जो ब्रेड के हमने गोल पीसेस कट किए हैं, उसे हम रखेंगे सर्विंग प्लेट में और ऊपर से तैयार किए हुए इस दूध को डालेंगे। और ये लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारी इंस्टेंट सी रसमलाई। तो देखा आप लोगों ने, कितनी आसानी से हमने दो तरीके से रसमलाई बनाकर तैयार कर ली, वो भी बिना किसी झंझट के।
और यकीन मानिए ये रसमलाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी मेरी आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।